हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैगी न्यूडल्स। मैगी न्यूडल्स बनाना बहुत आसान है और हर घर में ये बनते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से मैगी न्यूडल बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएँ और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं मैगी न्यूडल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। मैगी न्यूडल बनाने के लिए मैंने 2 पैकेट्स मैगी ली है। आप किसी भी ब्रांड की मैगी ले सकते हैं। एक टमाटर लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। एक गाजर ली है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। गाजर डालने से मैगी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़िया आएगा। इसके अलावा हमें कुछ मसाले चाहिए। 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1/4 धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच ऑयल। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया है, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। साथ में हम इसमें कटा हुआ प्याज, और कटी हुई गाजर और साथ में टमाटर डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जब तक कि टमाटर और गाजर अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती। शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे। शिमला मिर्च अगर हम इसी वक्त डाल देंगे तो इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा। शिमला मिर्च के क्रंचीनेस हमें चाहिए, इसलिए शिमला मिर्च हमने साथ में नहीं डाली। आइए चेक करते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने ढक के इसको 2 मिनट के लिए पकाया है और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और गाजर, टमाटर और प्याज तीनों ही हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हल्दी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 3 कप पानी लिया है और ये 400 मिलीलीटर पानी है। पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के उबाल आने तक के ढक देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैगी डालेंगे। मैगी को इस तरीके से आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में करके डालूँ। बची हुई मैगी भी डाल। अब हम इसमें टेस्ट मेकर डालेंगे, जो मैगी का मसाला होता है। दूसरा पैकेट निकाल देंगे, साथ में ही हम शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैगी को इस तरीके से हम दबाएंगे जब तक जी सॉफ्ट नहीं हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैगी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आइए चेक करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट तक मैंने इसको पकाया। मैगी न्यूडल बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
मैगी न्यूडल बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी न्यूडल्स बने हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें से आ रही है। बच्चों को जी बहुत पसंद है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।